गाइस यार एक और नया सुहाना सा दिन है और हम लोग आज यार खरीदने वाले हैं जीप क्यू वरेंगलर रूबिकॉन। तो यार हम लोग अभी अपनी लैम्बोर्गिनी उरस पे हैं एंड मैं आज आया हुआ था गांव ताकि यार अपने अंकल आंटी से मिल सकूं। एंड अभी मैं घर जा रहा हूं क्योंकि अभी अभी सुबह हुई है। एंड वो देखो यार घर के ऊपर वो आंटी अभी अभी उठी है भाई, चेयर के ऊपर बैठ के शायद वो कर रही है योगा वगैरह। यार नमस्ते आंटी, कैसी हो भाई? मेरे को लगा खंबा टूट जाएगा बट खैर कोई बात नहीं। गाइस यार आज हम लोग गाइस यार एक फोर्ड क्यू वरेंगलर खरीदने वाले, आई एम फोर्ड सॉरी बोल रहा हूँ, जीप की वरेंगलर। एंड उसे खरीदने के लिए यू नो यार बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, तो पहले यार उसका रेट पता करेंगे या फिर सीधा चलते हैं ड्रैग रेस में, बिकॉज यार कल ही मैंने अपनी उरस को मॉडिफाई किया। मतलब भाई ये तो ड्रिफ्ट मारती है, ठीक है मजाक से हटके। ये देखो भाई हम लोग खेत में है ना ब्रो, ये देखो भाई, और ये चल भी नहीं रही है। आप लोग सोच रहे हो कि चल रही है? नहीं भाई ये ड्रिफ्ट मार रही है, ठीक है आप ओके आराम से जंगल के बीच में भाई शेर वगैरह भी आ सकता है, बट खैर ड्रिफ्ट देख रहा है ना आप लोगों को। ये देखो भाई हल्का सा मैंने इसको ड्रिफ्ट ट्यून किया है, बस मेरे को ठोकना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है भाई उरस को मॉडिफाई करने में, खर्चे बहुत लगे हैं यार। बाकी यार यहाँ पे नदी बहुत है, जाते जाते अपनी गाड़ी बहुत हद तक साफ हो जाएगी, बर थोड़े से कीचड़ भी लग चुके हैं, कोई बात नहीं यार। यहाँ पे एक और भाई यार नदी की कमी नहीं है ब्रो, यहाँ पे प्यार से ऐसे नदी में डुबाना है एंड गाड़ी को धोना है यार, पूरे छींटे मन लगे हुए हैं ब्रो गाड़ी पे यार, क्या रियल लग रहा है भाई। बाकी खैर वी आर ऑन द रोड यार। एंड अब यार हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं एक टूर्नामेंट में, बिकॉज एक ऑफ रोडिंग टूर्नामेंट होने वाला है। कहाँ पे? ये वाला जगह ना, हाँ चलो भाई यहाँ पे एक होने वाला है। एंड ये कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है भाई, यहाँ पे जीतने से जो पैसे मिलेंगे ना उन पैसों का हम लोग लेने वाले हैं जीप की वरेंगलर। एंड यार एज यू ऑल नो भाई उसको थार का बाप भी कहते हैं, या थार उसका बाप है मुझे नहीं पता, लेकिन जीप वरेंगलर के लिए एक अलग से इज्जत है मेरे लिए भाई। अभी गाड़ी ठोके रहती है ब्रो कसम से यार, ये गाड़ी थोड़ी सी डैमेज है, अगर आप लोगों को पता चल रहा है तो बताओ कहाँ से डैमेज है। बाकी इंटीरियर वगैरह सब चीज़ चमक रहा है भाई, मैंने आज ही गाड़ी धोई है भाई, इंटीरियर देख रहे हो यार। बाकी ड्रिफ्ट क्यों मार रही है भाई ये? डैम गया, छत चटक गया ऊपर का और इधर का बॉडी भी चटक गया भाई बड़े गंदे से ब्रो, शिट यार। चलो खैर कोई बात नहीं यार, रेस 2.5 किलोमीटर दूर है, पास ही में, ज्यादा दूर नहीं है, अभी अभी सुबह हुई है भाई। रेस में पार्टिसिपेट करने में मजा तो डेफिनेटली आने वाला है यार। बाकी आपको मैं इस उरस की टॉप स्पीड दिखाऊं क्या? लेट्स गो, बच गया भाई। ओके यार ज्यादा नहीं जाती स्पीड, मैंने उतना नहीं लगाया यू नो यार, मैं खाली स्पीड को उधर मुड़ता था भाई। इतनी ज्यादा हैवी गाड़ी है ना गाइस ये, लाइक इसको अबे तेरी यार मैं ठोक क्यों रहा हूँ भाई यार, यही दिक्कत है पता है यार, एक हाथ से खेलने में ना दिक्कत है यार। बाकी खैर चलो फटाफट से चलते हैं, इधर जाना है। ओके आराम से चलो भाई, फुल स्पीड लस के हो यार, 200 मीटर दूर है भाई, दूर भी नहीं है यार, फटाफट पहुंचते हैं और ये रेस को जीतते हैं ताकि अपने को इतने पैसे मिल सके कि हम लोग एक ड्रैग रेस में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। एंड उसके बाद अपन कार खरीद सकें यार। बाकी अपन पहुंच चुके हैं, आ जाओ भाई, आ गया जंगल वाला ड्रैग रेस एंड लेट्स गो। चलो भाई सोलो रेस करेंगे एंड कम्प्लीटली 6.5 किलोमीटर का रेस होने वाला है, कम्प्लीट ऑफ रोडिंग एंड लेट्स सी क्या होता है भाई, आ जाओ। ऑलराइट गाइस वेलकम टू द ड्रैग रेस भाई, जीप की गाड़ियां भी आई है ओके, क्या लगता है यार कौन जीतेगा भाई? इवन यार BMW भी होगी, ओ सबसे आगे रेंज रोवर है भाई, लेकिन अपनी गाड़ी तो फुल ड्रिफ्ट ट्यून है यार, क्या ड्रिफ्ट कर रही है भाई। ओके आराम से, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है मुझे यार, मैं बता रहा हूँ भाई ड्रिफ्ट के चक्कर में मैंने बहुत बार फटके खाए हैं। वैसे गाइस यार आपको क्या पसंद है, रेंज रोवर या फिर लैम्बोर्गिनी उरस, क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे अपन यार इस चीज़ के चक्कर में पीछे पड़ गए भाई, BMW X6 भी आई है भाई, नई वाली BMW आई है ऑफ रोडिंग वाली भाई। ओके सबको ओवरटेक करेंगे, जा मेरे आगे पुरानी वाली BMW है भाई, ये रही नई वाली यार जिसको मैं ठोक रहा हूँ अभी भाई। M4 है या M8 है शायद, कौन सी गाड़ी थी भाई, M4 थी या M3 थी शायद यार, वो भी अच्छी ऑफ रोडिंग के लिए, बट ओ गधा भाई गधा भाग रहा था यार। बाकी खैर लेट मी शो यू माई स्किल्स गाइस, ड्रिफ्ट हल्का सा ड्रिफ्ट मैंने हल्का ट्यून किया है, ज़्यादा हैवी ट्यून नहीं किया, आप लोगों को पता ही यार गाड़ी कुछ ज़्यादा ही फिकाती है। लेट्स गो। ओके भाई यहाँ पे भी ड्रिफ्ट लेते हैं आराम से, और ये कौन है यार सेकंड पोजीशन में, कौन सी गाड़ी थी वैसे, फर्स्ट पे तो भाई रेंज रोवर वेल्लार है भाई। ओके इसको हराने में थोड़ी फटने वाली है यार, ये थोड़ी भागती है ब्रो, बाकी गाड़ियों को हराया जा सकता है,
आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से उरस भाई गया। एक बार बैलेंस बिगड़ा मतलब तगड़े से पीछे 8th पोजीशन हो गया हूँ मैं एक गलती के चक्कर में भाई। अस्टन मार्टिन की भी गाड़ी आई है भाई। ओके यार ये क्या हो रहा है भाई, सीधी चल ले भाई। ओके ठीक है लेट्स गो जंप है भाई ये तो। ओके जंप, मैं इसको पार कर दूंगा व्हाइट वाली गाड़ी को। 8 बज गया भाई, सबसे आगे अभी भी लेकिन रेंज रोवर है यार। नदी भाई यार ये रेसिंग की अबे तेरी भाई, ये क्या हो रहा है यार, इतना खतरनाक क्यों रेस हो रहा है भाई ये। बाप रे भाई गाड़ी उछल गई मेरी भाई, ये लोग कैसे कंट्रोल कर ले रहे हैं मेरी। मैंने थोड़ा ज्यादा पावर वाली गाड़ी ला लिया लग रहा है यार। ओवर पावर वाली गाड़ी की वजह से गाड़ी थोड़ी ज्यादा ही उछल जा रही है भाई। बाकी ड्रिफ्ट वगैरह में दिक्कत नहीं है उतनी, मुझे ड्रिफ्ट वगैरह मैनेज हो जा रहा है, लेकिन यार गाड़ी ऐसा उछलेगी तो भाई मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। ओ भाई साहब यार क्या ही रेस है भाई, सारी गाड़ियों की बैड बज गई है भाई, देख रहे हो यार सबका पीछे का टूट चुका है यार, मेरे अकेले का नहीं, मेरा तो ठीक भी है बाकियों की तो बैड बज गई है। ओके आराम से अभी भी अपन जीत सकते हैं यार, अपन 5th पोजीशन में, एक साथ 2-3 ओवरटेक करते हैं, लेट्स गो भाई। 3rd पोजीशन में इसको पार करो, सबसे आगे रेंज रोवर है भाई, ये भी पार होने वाली है। क्या हालचाल रेंज रोवर भाई, ये साइड नहीं दे रहा बंदा। ओके दिया, गियर डाउन यार, उसकी स्पीड अच्छी है भाई, रेंज रोवर पिकअप देता है ना भाई सही सा। अभी मुझे उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, ढलान है, क्लच दबा के रखते हैं एंड लेट्स गो भाई, इजी पीजी भाई। लेकिन आराम से, पूरी गाड़ी ओवर स्पीड हो रही है यहाँ पे, ढलान है बोल के, लेकिन खैर एक और नदी, गाड़ी चकाचक एंड लेट्स गो, वी सी द फिनिश पॉइंट एंड उल्टा होके रेस जीतेंगे ना मेरी जान भाई। क्या ही रेस था भाई, अपन फर्स्ट है और अच्छा रेस था, बहुत ही ज्यादा मजा आया मजाक से हट के। एंड अपन फर्स्ट, सेकंड आई है यहाँ पे लैंड रोवर वेलार, एंड थर्ड आई है मैकेन टर्बो, फोर्थ आई है बीएमडब्ल्यू आईएक्स मतलब i10 ओके, और बीएमडब्ल्यू X5 X6 भी आई है, जैगवार भी आई थी भाई, जीप की ट्रैक हॉक भी आई थी भाई, बहुत सारी गाड़ी आई थी, बट खैर ये रेस मुझे अच्छा लगा, तो रेट करते हैं एंड चलते हैं गाइस एक और ड्रैग में, क्योंकि अभी पैसे की थोड़ी सी किल्लत है, एक दो और ड्रैग करना पड़ेगा एक्चुअली में, बिकॉज़ नए लेवल पे हम लोग। लेट्स गो फटाफट से पहुंचते हैं, ठीक है अगला रेस पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है, चिल मारो यार ठीक है। बाकी भाई हम लोग अभी वो ब्रिज वाले के पास से मैप पे मार्क करते हैं, फटाफट चलते हैं भाई। ये कौन सा कोबरा ट्रैक है भाई, सांप आप आते हैं क्या यहाँ पे, खैर मैं तो यहाँ नहीं जाने वाला, थोड़ा अच्छा सेफ रेस चलते हैं। ओके यहाँ पे एक ऑफ रोडिंग रेस होने वाला है, ठीक है अपन सीधा एक घर टेलीपोर्ट मारते हैं ना भाई, आ जाओ घर चलते हैं सीधा, बैक इन द होम गाइस, डायरेक्टली आ चुके हैं यार, पास ही में होने वाला है भाई एक रेस, मार्क करो भाई मैप में। ओके आ जाओ यार, वो 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 यार यार रास्ता खाली है भाई, ये क्यों चलाएंगे ब्रो, अपन तो चलाएंगे अपनी महंगी गाड़ी, रुको लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं तो यार कोई महंगी लैम्बोर्गिनी निकाल लूँ क्या, महंगी से मेरा मतलब है लैम्बोर्गिनी सेस्टो, लेट्स गो भाई। ये गाड़ी का लुक बहुत प्यारा है ना, मैंने इसको पेंट किया है और इतनी प्यारी गाड़ी है भाई, फटाका फोड़ती है, फुल 300 पकड़ती है और कंट्रोल इतना प्यारा कंट्रोल यार, देखते जाओ आप लोग यार 300 टच, ब्रेक भी तगड़ा, इतना तगड़ा ब्रेक, बट यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हम लोग ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से जाने वाले हैं, गाड़ी की बैंड बजाने, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है भाई थोड़ा लंबा ट्रैक होता है यार तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कहना है भाई ये भी ड्रिफ्ट मार रही है भाई, बोल आज क्या बात है भाई। आप लोगों को पता है कि नहीं यार, लैम्बोर्गिनी की गाड़ियाँ पहले ट्रैक्टर बनाया करती थी भाई, ये स्पोर्ट्स कार में तो बाद में है, इन लोग पहले ट्रैक्टर बनाते थे इन लोग, किन लोगों को पता था कमेंट सेक्शन में बताओ, लेट मी नो कौन कौन जानता था ये चीज कि लैम्बोर्गिनी के ओनर्स जो थे सब पहले ट्रैक्टर बनाया करते थे। ओके अभी वो मतलब यार थोड़ा सीन हुआ था उनका, आई गेस फरारी के साथ सीन हुआ था, एंड देन उन लोगों ने फिर लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट्स कार बनानी चालू की थी, ठीक है ताकि मर्सिडीज वालों की जला सके। बहुत लंबी स्टोरी है यार, मैं आपको क्या ही बताऊं, यूट्यूब पे आप देखना आपको मिलेगी। बाकी खैर किन लोगों को पता था वो मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है, तो प्लीज सच बताना किन किन लोगों को पता था, बाकी झूठ मुझे सुनना पसंद नहीं आया। बाकी आ जाओ, ये रही उरस, एंड लेट्स सी उरस से अपन उड़ पाते हैं या नहीं भाई। बैक इन द शो भाई, BMW की X5 भी आई है और आई गेस बहुत सारी पहली रेस की भी गाड़ी आई होगी, क्योंकि आज यार थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला माहौल है। सो लेट्स सी भाई, ये तो कच्चा रोड लग रहा है, प्योर कच्चा रोड लग रहा है, इससे पहले तो हम लोग एटलीस्ट यार जंगल वंगल भी कुदा रहे थे, आज तो पूरा कच्चा रोड लग रहा है मुझे। ओके इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्या कर रही है भाई यहाँ पे। ओके इजी पीजी आराम से,
अबे तेरी यार, मेरे को पता नहीं था गाइस, सीरियसली मेरे को नहीं पता था इधर जाना है। ओके यार, मैप दिखता नहीं ना भाई, इतना बड़ा स्क्रीन है यार, समझा करो यार। बाकी भाई मोड़ो मोड़ो मोड़ मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा रे। ठीक है, लेट्स गो। ओके परफेक्ट। आइए जय बात भाई, अपन आ गए फोर्थ पोजीशन पे। एंड आई गेस सबसे आगे इस बार दूसरी गाड़ी है भाई साहब, क्या ही जंप हम पा रहे हैं भाई। ओके X5 निकल रही है, हल्की गाड़ी है ना यार, फ्लोट कर रही है भाई हवा पे, पर अपन पार कर देंगे भाई, अपन भारी गाड़ी है ब्रो, सबका अब तक का एडवांटेज है भाई। लेट्स गो, अपन है फर्स्ट पोजीशन पे थे भाई। ये क्या है ब्रो, ये क्या था भाई। ओके रैंप चाहिए मुझे भाई, शॉर्टकट, आई नीड अ गॉड डैम शॉर्टकट भाई। जंप हो जा प्लीज लंबा। चलो ठीक है भाई, मैं सबसे लास्ट पोजीशन में हूँ भाई। ओके कोई बात नहीं, कवर करेंगे, अभी आधी रेस हुई है यार, वैसे भी ठीक है क्योंकि पिछले रेस में अपन फर्स्ट आए थे। अगर ये रेस में हार भी गए तो भी उतने मुझे कोई इशू नहीं है, बट खैर मुझे जीतना है भाई, पैसे चाहिए ब्रो। अगर ज़्यादा पैसे मिल गए तो यार ऑफकोर्स अपन यार जो हम लोग खरीदेंगे वरेंगलर उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। वो थार ही है भाई, थार जैसी दिखती है, मजाक सट के यार। आप लोग बताओ थार ज़्यादा बेटर है कि वरेंगलर? मैं बता रहा हूँ, मेरे को थार पसंद है क्योंकि थार इंडियन कार है, और महिंद्रा की गाड़ी के बारे में तारीफ जितना करूँ उतना कम हो जाता है। और साथ ही साथ यार वरेंगलर में क्या है ना भाई, थोड़ी फॉरेन की गाड़ी है, थोड़ा वेस्टर्न है और बहुत ज़्यादा महंगी। थार क्या है, 20 लाख में मिल जाती है, वरेंगलर खरीदो भाई, करोड़ से कम होना कम रहेगा, बजट तो नहीं मिलने वाली भाई। ऑन रोड प्राइस बहुत महंगा है वरेंगलर का, मजाक से हटके। बाकी बातों ही बातों में अपन यहाँ पे जंप करने वाले हैं, लेट्स गो। डैम ब्रो, डैम डैम डैम, गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड पे है लेकिन कंट्रोल बहुत सही हो जा रही है यार। ओके जीतने वाले हैं। आ शिट, वो फर्स्ट आ गया, इलेक्ट्रिक कार फर्स्ट भाई, अपन सेकंड, पूरा सेकंड आइए। ठीक है यार, अपन कितना पीछे थे भाई, सेकंड है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड चलता है, थर्ड नहीं होना चाहिए। BMW X6 आइए भाई, BMW X खरीदू सोच रहा हूँ यार, क्या बोलते हो यार, खरीद लो यार, सही लग रही है गाड़ी भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, मैंने 2-3 ड्रैग पे देखा यार। बाकी भाई मेरी गाड़ी की हालत देखो, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है यार। खैर आ जाओ भाई, अपन अपनी फास्ट कार लेते हैं, Lamborghini। भाई ये लैम्बोर्गिनी आप लोगों को भले लगी होगी भाई ऐसी नॉर्मल टाइप की, अंदर से भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये गाड़ी इतनी तगड़ी है ना ब्रो, आप लोग बताओ जाना कहाँ है, मैं हूँ कहाँ वैसे। अच्छा मैं यहाँ हूँ ना, एक काम करते हैं घर चलते हैं और कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा करते हैं, फिर चलते हैं गाड़ियाँ खरीदते हैं यार। हम लोग वैसे भी आज वो खरीदने वाले हैं ना वरेंगलर, तो वरेंगलर के लिए पैसे लेते हैं फिलहाल। अभी आप लोग स्पीड देखना, ये गाड़ी क्या ही पकड़ेगी, 400 भगाऊंगा ठीक है, ध्यान से देखना। सेस्टो को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं भाई, वन ऑफ द बेस्ट कार है यार सेस्टो, भले लुक में यार एवेंटाडोर वाला फील नहीं देती है लेकिन कंट्रोल भाई 400 टच ब्रो, 400 अच्छा भी नहीं हुआ ना, लो भाई टच कर देंगे, नहीं हुआ तो कर देंगे थोड़ा ऑफ रोडिंग नहीं। ओके 400 टच भाई, और 400 में भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, 420 पे चला रहा हूँ मैं फुल कंट्रोल, बट खैर यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा भाई, बहुत सही गाड़ी है भाई, 300 पे एवरेजली चला सकते हो आप इसको कंट्रोल के साथ। पहुंच गया ब्रो, पहुंच गया, बट मैं रुकूंगा नहीं, आप लोगों को स्पीड दिखाता हूँ, रुक जाओ। ओके ओके कंट्रोल यार, आप लोग कंट्रोल देखो भाई, 400 पे गाड़ी मुड़ रही है, 400 पे ठीक है, 400 भाई गाड़ी उड़ रही है भाई, 430 पे भगा रहा हूँ, स्पीड नोटिस करो आप लोग बस यार, कितनी ज्यादा फास्ट है यार ये कार, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट कार तो मैं कहता हूँ इसको यार, क्योंकि ये कंट्रोल होती है ना भाई 400 पे यार, 450 भाई, जेस्को इतनी बेस्ट कंट्रोल नहीं होती जितना ये होती है, मैंने इतना अच्छा इसको मॉडिफाई करके रखा है, पूरा मैप नाप दूं भाई विदाउट ब्रेक्स भाई, ब्रेक निकाल देता हूँ गाड़ी के फिर चलाता हूँ, क्या बोलते हो यार, लेट्स गो भाई यार, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा बट खैर आप लोग देख के समझ गए होंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा था, गाड़ी बहुत दमदार है ब्रो। बाकी आ जाओ यार, होराइजन ही पहुंच गए, खरीद ही लेते हैं। अच्छा ये वाली होराइजन नहीं, ये वाला होराइजन, चलो यार ये वाला मुझे अच्छा लगता है भाई, यहाँ पे अपन ड्रिफ्ट शिफ्ट मार लेते हैं ना यार, नहीं मतलब आपको देखना है क्या ड्रिफ्ट, मतलब देखना है क्या ड्रिफ्ट, ये वैसे ये ड्रिफ्ट नहीं मारेगी, ये ड्रिफ्ट ट्यून नहीं है, सेस्टो ड्रिफ्ट के लिए बनी नहीं है, तो ये इससे ड्रिफ्ट वगैरह उम्मीद रखना बेकार है। बाकी भाई कोशिश किया जा सकता है, घूम जा हो रहा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट यार, ये गाड़ी सीधी मतलब कंट्रोल करने वाली है गाड़ी है ना भाई, ड्रिफ्ट ऐसा होता है कि अनकंट्रोल गाड़ी है मतलब ड्रिफ्ट हो रही है, बट खैर यहाँ पे गाड़ी बिल्ड नहीं करेंगे हम लोग, जाएंगे जंगल वाले होराइजन में एंड यहाँ पे गाड़ी बिल्ड करेंगे। आ जाओ बैक इन द जंगल यार, एंड ये वाला होराइजन शायद से आप पहली बार देख रहे होगे,
जो कि प्योर जंगलों के बीच में, एंड यहाँ पे अभी हम लोग खरीदने वाले हैं ऑफ रोड का। लेट्स गो, आ जाओ गाइस फिर गाड़ियाँ खरीदते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले यार मुझे चाहिए वो नई वाली फोर्ड, तो उसको पहले देखते हैं फर्स्ट हैंड, पहले चेक करते हैं कितनी की मिलती है। यार मैं बार बार फोर्ड क्यों बोल रहा हूँ यार, जीप है, ट्रैक्स जीप। आ जाओ यार, ये रही जीप की यार सारी गाड़ियाँ यहाँ पे। अपने को खरीदना है ये वाली रैंगलर। ओके, ये जो देख रहे हो ना भाई, डिट्टो थार दिखती है भाई मजाक से हटके, और गेम में ये 50,000 की भाई बहुत सस्ती है यार। फर्स्ट हैंड ही खरीद लेते हैं, क्या बोलते हो? सस्ती है तो क्या ही दिक्कत है। बाकी ये रहा भाई था जैसा स्किन, ओके रेड एंड ब्लैक, लेकिन व्हाइट अलॉय भी है मेरे को, रेड ब्लैक या फिर रेड अलॉय। भाई माइनक्राफ्ट, भाई माइनक्राफ्ट एडिशन की गाड़ी भाई। ओके, लेकिन माइनक्राफ्ट वगैरह को साइड करो, अपन नहीं लेंगे थार जैसा कलर, जो कि मेरे को ये थोड़ा सा लग रहा है, फील आ रहा है, इसको लेते हैं। लेट्स गो, 50,000 भाई सस्ती है यार मजाक से हटके, 50,000 में भाई। अभी इसको जो मॉडिफाई कराएंगे ना हम लोग, 1-2 लाख रुपए ऐसे ही खर्च होने वाला है, ठीक है। 50,000 की गाड़ी, अभी 10 लाख रुपए मॉडिफिकेशन पे भाई। क्या दिख रही है गाड़ी यार, सही लग रही है भाई। आ जाओ चलो यार इंटीरियर वगैरह देखते हैं। एंड ये आप देख सकते हो इसमें लगा हुआ है V6 इंजन, वो भी 3.8 लीटर के साथ, मतलब ऑफ रोडिंग करने में भाई बहुत तगड़ा स्पीड मिलने वाला है। बाकी ये रहा है इंटीरियर, प्रीमियम है, थार थार के जैसा थोड़ा सा है, सिल्वर सिल्वर सा, बाकी प्रीमियम इंटीरियर तो है। बाकी पीछे स्पेस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना स्पेस है, क्या बोलते हो भाई खरीद लेगा रियल लाइफ में? ओके, ऐसा खुलता है, थोड़ा थार ही जैसा ही खुलता है भाई, ज्यादा चेंज ही नहीं है, थार जैसा खुलता है। ओके, बाकी सारी चीज अच्छी है। आ जाओ यार मैं ज्यादा क्या ही दिखाऊंगा भाई, बाकी गाड़ी मॉडिफाई करते हैं। पेंटिंग शेंटिंग तो हो गई, एक एक पार्ट्स लगाते हैं, एग्जॉस्ट वगैरह हो गया, हर एक चीज। पहले इंटेक देख लेते हैं, महंगा वाला रेस इंटेक, और हाँ रेस इंटेक भाई, रेस ही लगाते हैं यार, ऑफ रोडिंग में थोड़ा बाद में जाएंगे, ठीक है, आखिरी में ऑफ रोडिंग तरफ मॉडिफाई करेंगे। बाकी रेस एग्जॉस्ट, रेस कैम्स और वेल्स लगाएंगे भाई, रेस वाला सारी चीजें रेस भाई। पिस्टन सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स लगा दूंगा, रेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। कूलेंट, कूलेंट नॉर्मल रहने देते हैं, और फ्लाई व्हील लगाते हैं भाई स्पोर्ट्स का। प्लेटफॉर्म हैंडलिंग, रेस ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक अच्छा रहता है रेस वालों का, छट से रुकता है भाई। ऑफ रोडिंग का कुछ दिया नहीं है ज्यादा यार इन लोगों को, गाड़ी का वेट हल्का करो, स्पीड चाहिए मुझे भाई साहब। सही है यार, नहीं नहीं वेट बढ़ाओ यार, ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो वेट थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ठीक है, ठीक है थोड़ा सा चलता है। बाकी ड्राइव लाइन, क्लच लगा दो भाई रेस क्लच। ट्रांसमिशन 7 गियर की गाड़ी परफेक्ट है, भागेगी भी प्लस कंट्रोल भी होगी। डिफरेंशियल लगा लेते हैं भाई, ऑफ रोडिंग वाला डिफरेंशियल, एक दो ड्रैग भी करेंगे ना यार। बाकी एलॉय, ये क्या है भाई? ओ भाई बड़े बड़े चक्के भाई, ऑफ रोडिंग में काम आएंगे, बड़े चक्के लगाते हैं। बाकी कौन सा टायर लगाऊं, मेरे को ऑफ रोडिंग के टायर्स का अंदाजा नहीं। ओ भाई ये लगाते हैं ग्रिप वाले यार, रैली टायर, प्योर ऑफ रोडिंग मशीन बन गई है भाई ये तो। आ जाओ एरोडायनामिक जीप का, ये मॉडिफाई करने के बाद थोड़ा सा खराब हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस गिर रहा है, ये लगाने से परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है। यही लगाते हैं भाई, जीप का ही लगाते हैं। पीछे स्पॉइलर, ना स्पॉइलर नहीं लगाएंगे यार, पीछे बम्पर, जीप का बम्पर है, लगा दो भाई थोड़ा सा चलता है ये भी। और सामने हुड लगाना है मुझे, ये लगाना है ताकि थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला फील तो आए। लेट्स गो भाई, गाड़ी हो चुकी है मॉडिफाइड। एंड अरे अरे रुको रुको रुको, कितना खर्चा है? 66,000 खर्चा है, ठीक है यार। बाकी कन्वर्जन अब चेंज करके कोई मतलब है क्या? यार कन्वर्जन मुझे स्टार्टिंग में चेंज करना था भाई, थोड़ा परफॉर्मेंस मिल रहा है यार भाई, कुछ कुछ चीजें चेंज करने पड़ेंगे यार मुझे। लगा दो भाई स्पॉइलर से भी परफॉर्मेंस बढ़ी रहा है। नहीं ये लगाते हैं स्किट्स भाई, इसको जितना मॉडिफाई कर रहा हूँ उतना कम हो रहा है भाई। ग्रिप वाले टायर, और टायर को थोड़ा अंदर, और थोड़ा सा पीछे के चक्कों को बाहर, और इससे कुछ होगा क्या? ना, टायर का साइज बड़ा करने से हैंडलिंग थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। ना हैंडलिंग ठीक है यार, कंट्रोल कर लूंगा मैं, बाकी टायर बड़े बड़े चाहिए मुझे। बाकी ड्राइव लाइन, क्लच लगा लेते हैं रेस क्लच। ट्रांसमिशन 7 गियर का भाई, 4 गियर की गाड़ी बनाऊ गया। ऑफ रोडिंग मिलेगा, हैंडलिंग मिलेगा, और क्या मिलेगा? हैंडलिंग मिल रहा है भाई, मैं लगा लेता हूँ, सोच रहा हूँ यार 4 गियर का। ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन नहीं भाई, ड्रिफ्ट नहीं मारना भाई, स्टॉक ही रहने दो। डिफरेंशियल रैली लगाओ भाई, भाई पता नहीं मैंने क्या क्या ऐड किया है। 50,000 की गाड़ी थी, 1,25,000 मॉडिफिकेशन पे लग रहे हैं। वाओ वाओ भाई यार, इतने पे 3 और वरेंगलर आ जाए भाई, जितना खर्चा मैंने मॉडिफिकेशन पे किया है भाई। चलो खैर आ जाओ ट्राई करते हैं, लेट्स हैव अ लुक भाई। ये रही अपनी कंप्लीटली मॉडिफाइड वरेंगलर, और लेट्स सी कैसा इसका आवाज है। पहले मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, ये सुनो, एंटी लैग भी लगा हुआ है, पटाखा भी फोड़ेगी, मैंने बताया नहीं ना एंटी लैग है इस पे, ये देखो भाई इसमें तो V10 का आवाज आ रहा है, V10 इंजन लगा दिया है मैंने। ये सब चीजें तो हो गई, बाकी परफॉर्मेंस मुझे देख रहे हैं ऑफ रोडिंग में कैसे दे रही है, पर चला ऑफ रोडिंग में भाग नहीं पा रही भाई, ये वाला जंगल सही रहेगा, थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं। आ जाओ यहाँ पे चढ़ा वड़ा के देखते हैं। ओके अच्छा से ड्रिफ्ट कर रही है भाई, कंट्रोल भी है, ऐसा नहीं कि अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट है भाई, सही से कंट्रोल हो रही है, और पीछे आग भी निकल रहा है, पूरा वो हो रहा होगा, बट खैर ठीक है।
Let's go. Oh shit, आराम से भाई, कुछ ज़्यादा ही आज यार वो है यार, मतलब कह लो पानी कीचड़ है, बट खैर गाड़ी धुल गई ना भाई, चकाचक हो गई भाई ऐसे धोते हैं गाड़ी यार भाई। कहाँ अटक गई, किधर, लकड़ी वकड़ी में अटक गई क्या, रिवर्स, अच्छा कहीं, अच्छा लकड़ी वकड़ी में अटक गई थी, चलो खैर। अब गाइस यार चलते हैं इस गाड़ी को लेकर के एक आध ड्रैग रेस में एंड देखते हैं क्या ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। लेट्स गो यार, इस पे टोटल 6 गियर है एज यूजुअल, जैसा स्टॉक में आता है, मैंने गियर वगैरह चेंज नहीं किया है। बाकी कंट्रोल भाई साहब, ये तो फुल ड्रिफ्ट ट्यून हो गई है भाई, रोड पे ड्रिफ्ट कर रही है, रुको मैं आपको दिखाऊं क्या, ओके ये देखो भाई ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट भाई, सुपरा वाला ड्रिफ्ट दे रही है भाई यार, मजाक सेट के सुपरा जैसा ड्रिफ्ट करके देखना यहाँ पे, ठीक है। स्पीड बढ़ा, गियर चेंज कर रहा हूँ तो गाड़ी झुक जा रही है भाई सामने, ये देखो भाई, ये ड्रिफ्ट ही है ना ब्रो भाई, अरे ले ऐसा बस रेस में ना हो भाई, अगर ये रेस में होना चालू हो गया ना हारना तय हो जाएगा मेरा, बट खैर ठीक है, गियर दे रहा हूँ तो गाड़ी उछल रही है भाई। बाकी ये देखो इंटीरियर कुछ ऐसा है, पानी के थोड़े छींटे पड़े हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें एक नंबर है, ओके लेट्स गो भाई, कितना हार्ड लग रहा है यार चलाना इसको भाई, ड्रिफ्ट कर रही है गाड़ी वो भी बेदम वाला ड्रिफ्ट कर रही है भाई, सीधा वो गई घूम गई, इसको सीखना पड़ेगा भाई, चाकू के नोक पे ड्रिफ्ट हो रहा है इसका, ऐसा फील आ रहा मुझे यार, ओके स्पीड देखते हैं कितनी जाती है, आएगा 350 तो देगी, पिकअप थोड़ा सा स्लो है लेकिन स्पीड देगी आई गेस 300 पार, इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा मुश्किल है भाई, ओके भाई ट्रक वाले की पट गई होगी भाई इतना स्पीड में जो काटा हूँ, ओके लेट्स गो, हो गया ब्रेक लग जा, ठीक है परफेक्ट भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बट वो ये थोड़ा अनकंट्रोलेबल स्पीड है, टायर बहुत बड़े बड़े मैंने लगा दिया ना भाई, ये देखो ना गाड़ी भी चल रही है भाई बट खैर चलो चलते हैं एक ड्रैग रेस में, ट्राई करते हैं ये गाड़ी कैसे चलती है, और ये कौन सा इतना लंबा रेस है भाई, बट खैर अपने को ऑफ रोडिंग रेस में जाना है, ये रेस है ना ऑफ रोडिंग वाला, ये वाला नहीं, कोई अच्छा सा जंगल वंगल तरफ नहीं हो रहा, ओके यहाँ पे हो रहा है, अच्छा मैं भाई होराइजन तरफ ही था यार, होराइजन वापस आओ यार, लेट्स गो भाई, आ जाओ यार, ओके कौन सा इतना सारा रास्ता है, मैं कंफ्यूज हो गया यार किधर से जाना है, ये वाला है ना, हाँ अरे चलो, इतने सारे लोग आए भाई अपनी थार को देख रहे ब्रो, डैम भाई, अरे तेरी तो यार, मेरे को लगा निकाल लूंगा मैं कट मार के, लेट्स गो, ये मेरे को तो लग रहा है बैंड बजने वाला है भाई मेरा, मेरे को निकाल देना चाहिए क्या गाइस, कुछ ज़्यादा ही ड्रिफ्ट नहीं कर रही है गाड़ी, स्पीड के लिए मैं मॉडिफाई नहीं किया हूँ, मैंने यार इसको एंटी लैग देना था बोल के मैंने ये लगाया है, ठीक है बाकी गाड़ी है कंट्रोल में तो है, ठीक है चलो पहुँच गए, लेट्स गो, एंड आई थिंक सो मैंने ये रेस पहले भी कर रखा है शायद यार, चलो खैर जो भी है, सुबह का वक्त ये ड्रैग होने वाला है और अपन चलते हैं वरेंगलर को, लेट्स गो गाइस, क्या लगता है यार अपनी थार में हम लोग यहाँ पे जीत पाएंगे क्या, वैसे यार मैं एक चीज कंफर्म कह सकता हूँ, यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं ना उन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तो मेरी ही गाड़ियाँ होगी भाई आराम से, एंड लेट्स गो भाई, ये कौन सा जमता जंगलों के बीच में, ओके आराम से भाई, गाड़ी बहुत तगड़े से ड्रिफ्ट करती है यार, तो मेरे को आराम से चलाना ही चाहिए, ओके लेट्स गो, कोई है क्या भाई अपनी जीप की टक्कर में ब्रो, इसे थार भाई कोई हरा सकता है क्या भाई, आराम से और डेड ट्रैक्स मॉडिफाई करे और कोई टक्कर दे दे तो हो जाए, बताओ भाई कोई है क्या, अच्छा एक जीप वाला बंदा है, पुरानी वाली जीप लेके भाग रहा है भाई, ये पुलिस वाली गाड़ी लेके घूम रहा है क्या दोस्त, भाई मेरी गाड़ी में दिक्कत है गाइस, मेरी गाड़ी मुड़ नहीं रही भाई ऑफ रोडिंग में, मैंने मुड़ी नहीं, ओके लेट्स गो यार, वो बहुत आगे निकल गया है भाई, ये देख रहे हो मेरी गाड़ी मुड़ नहीं रही भाई, ये पूरी स्पीड कम करनी पड़ रही है, ये भी है कि मेरी गाड़ी स्पीड भी जल्दी पकड़ ले रही है, ठीक है यार क्या हालचाल जीप है, क्या है पापा से पंगा नहीं, हट हट, अबे तेरी यार चेक पॉइंट आ गया यार ये लोग बाउंड्री पे क्यों चेक पॉइंट रखते हैं, बड़ा रखो ना भाई चेक पॉइंट, उतना छोटा सा चेक पॉइंट भाई, मैं इसको ढकेल के जाने वाला था यार, शायद इसलिए इन लोगों ने चेक पॉइंट ऐसा रखा है कि भाई ढकेल के कोई ना जाए, ओके
ओके सिक्स्थ गियर कब लग गया भाई पता ही नहीं चला। भाई ये इसी चीज से मेरे को डर लग रहा है पता है, ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही ड्रिफ्ट दे रही है भाई। ऑटोमेटिक ये गाड़ी ड्रिफ्ट मांग रही है, मोड़ नहीं मांग रही है ना, मोड़ो मत मुझे दो ड्रिफ्ट, आई नीड अ ड्रिफ्ट, आई लव ड्रिफ्ट भाई, ऐसा 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 गाड़ी का बोलना है। घोड़ा गया भाई, ये गधा जिंदा है भाई, ये कैसे जिंदा है, एक ही गधा है पूरे गेम में ठीक है, वो भी जिंदा है कैसे तैसे भाई। यार मेरी बैंड बच गई है भाई कसम से, आई डोंट थिंक कि मैं ये रेस जीत पाऊंगा भाई। लोग बहुत भाई क्या भगा रहे हैं, देख रहे हो सस्पेंशन की तो बैंड बजा दे रहे भाई। ओके अभी भी लेकिन टाइम है यार, अगर मैं अभी भी स्पीड पकड़ूंगा तो हरा सकता हूँ पता है, और पकड़ ही रही है भाई गाड़ी मेरी। ओके बस क्यों हट जा, छोटे नीले पीले लाल गुलाब, ये भाई ये वैरेंगल, अरे भाई सस्ती वैरेंगल, अरे कितना तगड़ा ब्रेक लिया हूँ यार, स्पीड दे दे गाड़ी भाई, एटलीस्ट सेकंड तो आने दो यार, लास्ट तो नहीं आना है मेरे को। हटो 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 हटो, ओके जंप भाई, मेरी गाड़ी कितनी ऊपर उछली है कंपेयर टू बाकी गाड़ियां। ओके मैं हरा दूंगा, नहीं वो जीत गया भाई, मैं भी पहुंचा यार क्या ड्रिफ्ट मारते हुए पहुंचा हूं, देख रहे हो यार। लेट्स गो भाई, सेकंड पोजीशन ठीक है मेरे को थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा गाड़ी को यार, कुछ ज्यादा ही ड्रिफ्ट मार रही है भाई। आ जाओ, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे एंड उन पैसों से गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा और, आई मीन ड्रिफ्ट निकालते हैं और गाड़ी को थोड़ा और चिकना चिकना बनाते हैं ठीक है। बाकी रात होने वाली है लग रहा है मुझे यार, बाकी चलो ड्रिफ्ट मारते हुए चलते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पे एक बार ड्रिफ्ट ट्राई करेगा, मोड है, चल 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 भाई, देख रहे हो हल्का सा प्यारा सा ऐसे ड्रिफ्ट दे रही है गाड़ी, देखो यार ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे दिखाऊंगा तो समझोगे आप, ये देखा ड्रिफ्ट, ये देखो आठ आठ बज गया बंदा भाई, अभी टूक जाता बट खैर। ऑफ रोडिंग भाई यार, ये एडवांटेज है ब्रो, ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो कहीं भी घुस जाओ भाई ठीक है यार। खैर चलो चलते हैं गाड़ी को फटाफट से मॉडिफाई करने, और रात भी होने वाली है तो मुझे फटाफट से पहुंचना चाहिए, लेट्स गो। यार सुबह हो चुकी है भाई एंड मैंने फैसला किया है कि यार मैं अपनी थार को या फिर वेरेंगलर को मॉडिफाई ना कराऊं यार, क्योंकि यार ऐसी ठीक है ना ब्रो, फटाके भी फोड़ती है प्लस लाइक सही है यार, बट यार एक ही चीज मुझे इस गाड़ी का ठीक करना है, वो है इस गाड़ी की गंदगी भाई, कितना ज्यादा गंदा हो गया है यार। आपको इंटीरियर दिखा हो गया, इंटीरियर देखो भाई पूरा पैक है ब्रो, जीरो गंदगी ठीक है, बाहर से देखो यार ऐसा लग रहा है भाई कुश्ती लड़के आया हूँ कीचड़ में ठीक है। बाकी कह रहे यार अभी सुबह हो गया एंड मुझे नदी मिल गई यहाँ पे, तो यार यहाँ पे अपनी गाड़ी का स्नान करा लेते हैं। ओके यार क्या मस्त, यहाँ पे अपना कीचड़ सूखे जा रहा है भाई, लेट्स गो, फुल स्पीड में भगाएंगे तो आई गेस पूरा धुल जाएगा गाड़ी ना, काइंड ऑफ ओके आधा से ज्यादा साफ हो गया और मैं घने जंगलों में भी घुसते जा रहा हूँ यार, बट मेरे को ऐसे निकलना चाहिए ना। अबे तेरी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गाड़ी और गंदी हो रही है, रुको 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 रुको, कहीं से निकलना पड़ेगा, आगे रोड है ना। ओके वैसे ये वेरेंगुलर है भाई, पानी में तैर लेगी भाई, कितना भी गड्ढा हो, चलो गड्ढे तक चले गया, कहीं का तालाब वालाब में कुदा दूं भाई, क्या बोलते हो यार, गाड़ी की वाट लगा देते हैं यार। खैर चलो यार पानी वानी में तो डुबा करके मैंने निकाला है, एंड अब चेक करते हैं रोड पे गाड़ी साफ हुई भाई, ये तो हाँ थोड़ी सी साफ हुई है, थोड़ा स्पीड में भगा के देखते हैं, क्या पता कीचड़ निकल जाए, रुक जाओ स्पीड में भगा के देखते हैं, होता है यार, आप लोग ट्राई करना कभी यार, रियल लाइफ में भी अगर आप कोई थार वार या स्पीड में कोई गाड़ी को भगाओगे ना तो उसके कीचड़ वीचड़ निकल जाते हैं भाई, अगर गाड़ी गीली है तो कीचड़ चिपकते हैं, और जैसे कि हम लोग की गाड़ी थोड़ी सी गीली है तो चिपक भी सकते हैं और सूख भी सकते हैं भाई, इसको धुलवाना ही पड़ेगा यार दुकान ले जाकर के, यार कार वॉश करनी पड़ेगी या तो खुद से करना पड़ेगा, बट गेम में खुद से वॉश करने का फीचर नहीं है, क्या करें, बाकी भगाने का पूरा फीचर है, क्या ड्रिफ्ट मारना है क्या। ओके भाई ऑन रोड ड्रिफ्ट नहीं, इधर से ओके लेट्स गो, यार गाड़ी ऐसा लाइक अलग ही लेवल का ड्रिफ्ट मारती है, कंट्रोल में रहती है, देखो ऐसा ड्रिफ्ट मारती है कि मेरी फट जाती है भाई, गाड़ी किधर जाएगी यार, ये देखो भाई मेरे आप अरे तेरी भाई, ऐसा लगता है कि गाड़ी कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी यार, जी वैगन वाला फील आता है यार। बाय द वे मेरे पास इस गेम में जी वैगन भी है, मैंने उसको बहुत पहले खरीदा था, बहुत ही ज़्यादा पहले, एंड अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं फिर से कोई नई जी वैगन ढूंढूंगा एंड उसको मॉडिफाई कराऊंगा। बाकी चलो यार एक और ड्रैग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज़ एक रेस से हम लोगों को पता नहीं चलने वाला गाड़ी में कितनी दम है यार, तो हम लोग अभी कौन सा रेस, ओके यहाँ पे एक नया रेस है ब्रो, ओके ये का है भाई, अच्छा बार ना हो जरा यहाँ पे मेरा कोई घर, ओके यहाँ पे होराइजन है ब्रो अपना, यार मैं तो भूल ही गया था,
टेलीपोर्ट मारो यार, यहाँ पे भाई फुल ऑफ रोडिंग ट्रैक होता है, आई मीन डर्ट रैली होता है, ठीक है। मैं एक डर्ट रैली करके गेम है गाइज, कौन कौन जानता है डर्ट रैली करके, ठीक है। मैं कुछ दिन में वीडियो डालने वाला हूँ जिसपे अपन भाई बेदम कचड़ा कीचड़ लद्दड़ में ड्रिफ्ट करते हैं भाई, वैसा वाला गेम है वो, ठीक है। यार गाड़ी चमक रही है भाई, गाड़ी धुल गई यार, ठीक है, बढ़िया है। ओके यार, हाँ तो वो मैं गेम खेलने वाला हूँ, ठीक है, कुछ दिन और देन आएगा ना। अच्छा यहाँ पे मेरा घर भी है ना, चलो ठीक है, फिलहाल मैं मार कर दे रहा हूँ, अब जाना है इधर, ठीक है, पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ तो एक डर्ट रैली करके गेम है यार, जिसमें एक्सट्रीम लेवल ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो यार एकदम कीचड़ कीचड़ में डर्ट रैली नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा ड्रिफ्ट करते रहते हैं एकदम पहाड़ वहाड़ में कीचड़ में, वो वाला रेस है, ठीक है, और एकदम स्पीड में रहते हैं 200-300 की स्पीड में, ठीक है। तो वो हम लोग यार करने वाले हैं कुछ दिन और, मैं सीख रहा हूँ, सीख भी नहीं रहा, मतलब मैंने अभी गेम को डाउनलोड पे लगाया है आज ही, ठीक है ठीक है, तो सीख जाऊंगा एक दो दिन में भाई, वो गेम बहुत हार्ड है, मतलब वो गेम ऐसा है ना कि जो रियल लाइफ में करते हैं ना वो सारे स्टंट्स, मतलब वो स्टंट ही होता है ड्रिफ्टिंग वगैरह, तो वो स्टंट उस गेम में सीखा जाता है भाई, प्रैक्टिस होती है उस गेम में। अगर मैं उस गेम में कर दिया ना तो रियल लाइफ में करेंगे, ठीक है, और रियल लाइफ में भाई मैं अपने व्लॉगिंग चैनल में करूँगा, तो मेरा व्लॉगिंग चैनल आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत कम ही बताता हूँ व्लॉगिंग चैनल के बारे में, क्योंकि मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ। तो या व्लॉगिंग चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्लॉगिंग चैनल का लिंक। बाकी चलो यार पहुँच ही गए, ओके साथ दे दे बस यार, मैंने मॉडिफाई तो किया नहीं है, बाकी ड्रिफ्ट कंट्रोल हो जाता है यार, ये देखो ना, कंट्रोल करना है क्या, नहीं हुआ भाई लेट्स सी भाई क्या होता है यार, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। या नहीं हो रही भाई, स्पीड में नहीं हो रही, स्लो में हो जाती है कंट्रोल। चलो यार आ जाओ एक और रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, सोलो रेस में, और ये भी रेस होने वाला है थोड़ा जंगलों से बीच में, और लेट्स सी भाई अपनी वरेंगलर क्या परफॉर्म करते हैं। वो भाई हमर भी आया है ट्रैक में भाई साहब, यार ये रेस बड़ा कैड़ा होने वाला है भाई, हमर तक है ये इतनी बड़ी भाई, वो ठोकेगा तो खत्म है गाड़ी यार। आगे खैर मेरे जैसा रूबिकॉन भी आया है, लेकिन मेरे को ये हमर से संभाल के रहना पड़ेगा भाई, ये बंदा ठोका मतलब खत्म हूँ भाई, सामने वाला डर रहा है मेरे। यार आराम से चलाओ यार, वो भी एक गाड़ी है यार, मैं उसको ओवरटेक करूंगा भाई, भले गाड़ी है खतरनाक लेकिन अपन इससे ज्यादा तेज है भाई, ये खट्टर गाड़ी भाई, बेदम भाग रहा है यार। लेट्स गो, एक और जंप, ओके बूम भाई, हमर आ गया आराम से अपन तो ड्रिफ्ट मारेंगे यार, क्या बोलते हो भाई, ड्रिफ्ट मारना है क्या, इतना भी नहीं मारना है भाई, सीधा हो, ओके गया मैं, कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे यार, अपन एट्थ पोजीशन है राइट, लास्ट नहीं होना है बस, ओके लेट्स गो, ड्रिफ्ट परफेक्ट है, ओके ठीक है भाई, मैं क्या ड्रिफ्ट कंट्रोल कर रहा हूँ यार, हल्का फुल्का ड्रिफ्ट हो रहा है गाड़ी यार, लेकिन वो कंट्रोल हो जा रही है, मैंने गाड़ी का ऑफ रोडिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखा है ना, बोलिए वाह वाह वाह, ये भारी पड़ेगा मुझे, मेरे को चेक पॉइंट टच करना है जो कि नहीं हुआ था। चल भाई चेक पॉइंट लोग यार इतना टेढ़ा मेढ़ा देते ना भाई, क्या ही बताऊँ यार, बट खैर ये रेस ज़्यादा तगड़ा है यार, देख रहे हो फुल कर्व में ड्रिफ्ट और आई मीन रेस हो रहे हैं, ओके चैलेंजिंग रेस यार, बहुत ज्यादा घुमाओ फिराओ यार, ये देख रहे हो भाई मैं जिधर जा रहा हूँ उधर तो चेक पॉइंट ही नहीं है भाई, और ए रिवाइंड लेना बनता है यार यहाँ पे, ठीक है आराम से चल, स्पीड पकड़ ले गाड़ी, लेट्स गो भाई, अभी भी अपन यार फोर्थ पोजीशन में है भाई, खैर रेस खत्म होने में टाइम है अभी भी, बट ठीक है, पिकअप चाहिए मुझे, गियर डाउन, गियर अप एंड बूम भाई, गाड़ी उड़ रही है, मजाक कट के यार, ओके एक और क्रेजी जंप होने वाला है, लेट्स गो भाई, 250 के स्पीड में गाड़ी कुदा रहे हैं हम लोग, ले भाई फर्स्ट हो गया भाई इतना तगड़ा जंप करके आए भाई, कमाल कर रहे थे भाई, ओके ठीक है यार, बहुत गलत जंप, गलत जगह कूद दिया मैं,
यार एक तो पता नहीं रहता ना कि किधर किधर जाना किधर है। सीधा हो? हाँ अब सीधा है गाड़ी थोड़ी यार, अब थोड़ी कंट्रोल भी हो जाएगी है ना। वाह आराम से भाई स्पीड ले। गया मैं, आई थिंक सो मैं गया, हमर जीत जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जीता। मेरे को लगा ये रेस भी सेकंड आऊंगा भाई। लेट्स गो यार, अंदर है। मैं सोचा बाउंड्री में फिनिश पॉइंट होगा भाई, अदर में फिनिश पॉइंट था यार। फर्स्ट आ गया भाई, मजा आ गया यार। पहले रेस में थोड़ा सा मैंने हगा था, ठीक है। ये रेस अच्छा था, इसमें मैंने खाली एक ही बार रिवाइंड लिया, ठीक है। कैडा रेस था ये। लेट्स गो भाई। बाकी वो देखो यार, ड्रैगन उड़ रहा है यार वहाँ पे। बाकी चलो एक और रेस पे चले क्या कहीं पे? टाइम ही है ब्रो, दोपहर ही हुआ है यार, तो एक रेस अपन कर सकते हैं भाई। वैसे भी गाड़ी का सपोर्ट बहुत प्यारा है यार। गाड़ी का मेरे को कलर चेंज करने का मन है भाई, ब्लैक फुल माफिया वाला लुक देने का मन है यार। ओके देख रहे हो भाई, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। ये देखो क्या कंट्रोल हो रही है गाड़ी। अब मैं सीख गया हूँ भाई, अब मैं सीख गया हूँ कि ये गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। ये देखो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, हल्का सा एकदम चाकू के नोक पे रख के ड्रिफ्ट मारनी है भाई, तब गाड़ी थोड़ी कंट्रोल रहती है। ये लो, ये देखो प्यारा अच्छे से होता है ना यार। ये देखा अब थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो खैर चलते हैं, कहाँ जाएं यार? एक और कहीं पे होने वाला है क्या? तो फास्ट रेस है भाई, लैम्बोर्गिनी का यहाँ रेस होता है। लैम्बोर्गिनी की रेसेस में चले क्या? आ जाओ भाई, टेलीपोर्ट मारते सीधा इधर। ये वाला रेस मैंने किया नहीं है। लैम्बोर्गिनी सेस्टो निकालो भाई। यार आप लोग भी सोच रहे हो आज मैं इतना सेस्टो क्यों कर रहा हूँ, मैं मजाक से हटके भाई कल की परसों ही मॉडिफाई कराया हूँ यार। और इसकी स्पीड आप लोगों को मैंने दिखाई ही है भाई, फेवरेट हो गई है भाई मेरी सेस्टो यार। भले बहुत लोगों को लुक में, यार मैं मजाक भी नहीं कर रहा, लुक आप लोगों को पसंद भी नहीं आ रही होगी कुछ लोगों की यार, बट सच मुझे यार ये गाड़ी सच बता रहा हूँ भाई बहुत तगड़ी है यार। यार रात में होने वाली है रेस, दिन में नहीं होगा क्या कोई रेस यहीं पे सेम जगह? अच्छा यहाँ पे होने वाला है, आफ्टरनून में रेस होने वाला है। ओके लेकिन यहाँ पे अपने मनपसंद गाड़ी लेके नहीं आ सकता ना मैं, ठीक है भाई। चलो शाम ही कोई रेस कर लेते हैं यार। कौन हरा सकता है भाई? गाड़ी आई है भाई। ओके, सामने कौन सी गाड़ी है भाई? वो? Okay. So. भाई वो कौन है? अबे वो कैसे गाड़ी चला रहा है? धुआं कैसे निकल रहा था? धुआं निकल रहा था भाई, आप लोगों ने देखा कि नहीं यार? वो कौन सी गाड़ी है भाई, मेरे को भी लेना है। अबे तेरी ये क्या था भाई? रुको रिस्टार्ट करो, कुछ तो सीन हुआ, मेरा चेक पॉइंट मिस हुआ। रुको मैं वो गाड़ी वाले के पीछे चला गया यार, कुछ आग निकल रहा था उससे ना, तो मैं उसके पीछे चले गया, लेकिन वो उसके पीछे नहीं जाना है। लेकिन फिर भी आप लोग देखना वो आग क्या चीज़ का निकल रहा था, उसका टायर वायर जल गया क्या? वो देखो जो सबसे आगे है भाई, कुछ जल गया है उसका। अब देखो अब वो सही मोड़ा, इससे पहले वो आगे घुस गया था एंड मैं उसके पीछे घुस गया था। बोला क्या हो गया गाड़ी को भाई? ओके यार अलग अलग ही गाड़ी आई है भाई, कुछ कुछ गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, कुछ कुछ गाड़ियाँ बहुत बेकार है यार। ओके लेट्स गो, मैं अपना कंट्रोल भी छोड़ रहा हूँ यार। भाई यार बहुत हार्ड है यार रेस, ये जितना दिख रहा है ना उतना है नहीं, बहुत कट्टर मोड़ है भाई। ओके और ना ऐसा है कि लाइक कोई कहीं भी जा सकता है क्या? ऐसा है क्या ब्रो? मैं देख रहा हूँ लोगों को यार कितनी से भी घुसा देने भाई। ओके चलो अब देते हैं स्पीड फिर ब्रेक। अबे क्या हो रहा है, ये गाड़ी क्यों घुस जा रही है जंगल में भाई? कुछ तो आज दिक्कत है, पावर कम हो गया क्या ये रेस की वजह से? देखो ना ऐसा ही होती भाई सेस्टो, ये रेस का ट्यून लग गया क्या? रैली वाले ट्यून लग गया है क्या? ओके ये तो रात में रेस हो रही है भाई, रात में मेरे को रेस करना पसंद भी नहीं है पता है। रात में रेस करने मजा आता है भाई नीड फॉर स्पीड में भाई। और हाँ यार मैं नीड फॉर स्पीड के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन यार अनबाउंड के ऊपर। ओके नीड फॉर स्पीड अनबाउंड के ऊपर यार, लेकिन खैर मैं सच बताऊँ यार वो वीडियो अच्छी बनी थी, बट ये जो स्टेयरिंग था वो गेम में अच्छे से सपोर्ट नहीं दे रहा है भाई, तो इसलिए मुझे वो वीडियो को प्लान को ड्रॉप करना पड़ गया और मैंने वीडियो नहीं डाली, बट मैं डालूंगा। नीड फॉर स्पीड का कोई और अच्छा गेम बताओ यार मुझे जो आप लोग देखते हो यार। कौन कौन सी गेम्स आप देखते हो नीड फॉर स्पीड की भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके बाकी अभी स्ट्रेट रोड है, पकड़ते हैं स्पीड भाई। ओके 400 पकड़ लेगी भाई मेरी गाड़ी, नो डाउट यार।
के हट जा टैक्सी। ओके ठीक है, सबको पार करेगा, देखते जाना अभी सबको लाइन से पार करूंगा भाई। ये भी पार, थर्ड पोजीशन में ना। ओके हल्का सा नाइट्रो, आई मीन ड्रिफ्ट। शिट, आई डोंट थिंक सो कि अपन आने वाले हैं सेकंड या फर्स्ट। भाई रिवाइंड लो भाई, ये कतर कतर के ओके मेरे को नहीं जाना। ओके हट जा। अबे यार क्यों यार, ये क्यों ठेच रहा है मुझे। ओके हट हट। क्या था यार, डैम भाई ये क्या था, ये क्या था भाई। इन लोग साइड ही नहीं दिए भाई, इन लोग साइड ही नहीं दिए मुझे यार। भाई मैं इन दोनों को पार करता भाई, दोनों को। लाइटनिंग मैकवीन वाला सीन होता है यार, कार्स मूवी आप लोगों ने देखा है ना, तीन गाड़ी एक साथ घुसती है भाई, वैसा वाला सीन होता भाई। तीनों का टाइमिंग देखो, ये टाइमिंग देखो बगल में, यहाँ पे टाइमिंग लिखा है 2:21, 2:21, 2:21। ये तीनों सेम टाइम पे गाड़ी पहुंची है, बट वो गाड़ी अगर मेरे सामने नहीं आता ना भाई, पार करके निकलता उसको मैं, और हो सकता था मैं फर्स्ट भी आ जाऊं यार। भाई क्या क्या ही सीन हुआ भाई, आखिरी में ही नाटक हो गया यार मेरे साथ। बट खैर कोई बात, चलता है रेसेस है भाई, चलता है। देख रहे हो यार रोबोट का बच्चा, साले असली हाथ कर लगा ले भाई। चलो यार हो गया हो गया, मेरे को 5,000 रुपए, मेरे को 5,000 रुपए चाहिए नहीं। ओके आ जाओ वापस, बैक इन द गेम गाइज यार, बैक इन द होराइजन यार। चलो खैर आज के वीडियो में इतने यार, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कौन सी गाड़ी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताओ। मैं यार डेविल 16 के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, या फिर इसमें एक और है लाइकन मोटर स्पोर्ट्स करके एक और कार है, तो वो मैं खरीदने की सोच रहा हूँ, बट वो खरीदने में नहीं आती, वो गाड़ी के लिए मिशन करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। बट अगर आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा यार। बाकी खैर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं आज को बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि फोर्सा डालूँ कि क्रू मॉडिफाइड डालूँ, तो क्या देखना चाहते हो। प्लीज़ अगर आपको क्रू देखना है तो एटलीस्ट सी लिख दो, क्रू भी मत लिखो, सी लिख दो मैं समझ जाऊँगा आप लोग क्रू देखना है। फोर्सा वाले फोर्सा फैंस एफ लिख दो, मैं समझ जाऊँगा फोर्सा फैंस आप लोग, ठीक है। तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड पे, टिल देन मैं जा रहा भाई। यहाँ पे क्या कंट्रोल हो रही है भाई, डैम देख रहे हो 400 टच करते हैं। आ जाओ भाई रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई भाई। ओके देखो भाई 420 टच भाई, 450 भी टच करेंगे, रुक जाओ। हो गया, नहीं नहीं यार किसके घर में घुस गया भाई। बट क्या होप यू एंजॉय दिस वीडियो, स्क्रीन में यार सब्सक्राइब वाला बटन होगा, एंड साथ ही साथ यार फोर्ज़ा होराइज़न का पूरा प्लेलिस्ट तो आप जाके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।